क्या जो लड़की शादीशुदा नहीं है उसको क्या ब्रेस्ट में से दूध आ सकता है? ये क्वेश्चन मेरे को मिला जब मैंने वीडियो बनाई कि आप अपनी पत्नी के स्तनों से दूध पी सकते हैं या नहीं। उसमें एक क्वेश्चन था कि क्या जो औरत शादीशुदा नहीं है उसको दूध आना नॉर्मल है? क्या ये कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? क्या वो प्रेग्नेंट तो नहीं है और छुपा रही है? डिटेल में बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। आज मैं बताऊंगी कि अगर लड़की की शादी नहीं है और तब दूध आ रहा है, क्या गड़बड़ घोटाला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। तो अगर मैं बात करूं कि आपकी शादी नहीं हुई है, प्रेगनेंसी भी नहीं लगी है, फिर भी आपके स्तनों से दूध आ रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है और आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये यूजली उन केसेस में होता है जब आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया कहते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके स्तनों से थोड़ा थोड़ा करके दूध निकलना शुरू होता है। आपके लिए इनिशियली ये बहुत चिपचिपा सा पानी हो सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा सा दर्द होना हो सकता है या आपके कपड़े धीरे धीरे गीले हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आपको हार्मोनल लेवल पे, मतलब पीरियड्स के लेवल पे, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी सिचुएशन बहुत बार उन फीमेल्स के साथ आती है जिनके पीरियड ऊपर नीचे डिले हो जाते हैं, तो प्लीज डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। ऐसे में जो एक प्रिकॉशन का आपको ध्यान रखना है वो है बार बार अपनी दूध के बारे में नहीं सोचना है और बार बार अपनी निप्पल से नहीं खेलना है, क्योंकि इस वजह से डेफिनेटली आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हार्मोन बेसिकली आपके थॉट पे काम करता है। तो फिर इससे बढ़ जाएगा, तो इससे अपने बचाना है और अपना जो भी आपका मेडिसिनल कोर्स है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर ये ट्रीटमेंट को परस्यू करना है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको प्रेगनेंसी लगी हुई है, मतलब आप 7-8वें महीने प्रेग्नेंट हैं, ऐसे में अगर आपको निप्पल से थोड़ा थोड़ा मिल्क आता भी है, जो कि समवेयर 7वें-8वें महीने के आसपास हो सकता है, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है, फिर दूध आ रहा है, तो अभी 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 डॉक्टर को जाकर दिखाएं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। और वीडियो लाएंगे, तब तक चैनल पे बने रहेंगे। कोई और डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। आने वाली वीडियोस को टाइम से लेने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।